You're a superhero. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो आप सबने देखकर समझ गए कि मैं आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। आई नो बारिश और कोरोना की वजह से मुझे वीडियो आजकल घर पे ही शूट करना पड़ रहा है, बाहर में कुछ कर नहीं सकता। सो कम बैक टू द टॉपिक, आज का जो वीडियो है वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है कि कौन सा ऑयल बेस्ट है और क्यों। सो मैं बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट चार इंजन ऑयल ट्राई कर चुका हूँ। यामाहालूब जो सर्विस सेंटर वाले प्रोवाइड करते हैं, मोटुल के तीन ऑयल यूज़ कर चुका हूँ, 7100, 300V और 300V स्क्वायर। फिलहाल तो मैं 7100 यूज़ कर रहा हूँ अपने माइक में, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया मुझे। सो क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं यामाहालूब और मोटुल की, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मेन चीज़ दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मोटुल डबल प्राइस में आता है, यामाहालूब मे बी 400 to 450 में आता है। और मोटुल का अगर मैं 7100 की बात करूँ तो मेरी मुझे कॉस्ट करा था 670 और 300 900। और वी स्क्वायर मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम बाई किया था तो 1200 के अप्रॉक्स कॉस्ट किया था, MRP मतलब ज़्यादा शो थी। तो बात यह है कि आई नो मोटुल का जो प्राइस है वो डबल है, बट जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो डबल है। लाइक द एक्सेलरेशन एंड पिकअप जो आपको मिलती है वो डबल नहीं बोल सकते, बट इसमें इंक्रीज है। माइलेज भी आपको उससे ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, जबकि यामाहालूब और यस गए आपको जो चेंज कराना है वो भी डबल है। जैसे कि अगर मैं यामाहालूब अगर लूँ तो मुझे यामाहालूब चेंज करना पड़ता है मे बी 3000 में, तो मैं चेंज कर ही देता 3500 किलोमीटर्स पे। जब मैंने 3000 भी फर्स्ट टाइम डाला था रिव्यूज़ पढ़ के, तो मैंने उसको चेंज किया था मे बी 7000 पे। मैं उसको और भी खींच सकता था, पर मैंने खींचा नहीं क्योंकि उस टाइम मेरा सर्विस का वो आ गया था। मैं बताता हूँ वॉट टाइम हो गया मैं सर्विस करा लूँ। सो उसके बाद मैंने डाला था 300 स्क्वायर एंड वो डैम स्मूथ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यामाहालूब एक मिनरल ऑयल है जो हम नेचुरली हमको जो मिलते हैं उसको रिफाइन करके बनाते हैं, और जबकि मोटुल एक क्रिस्टल बेस्ड ऑयल है जो मेन मेड है जो केमिकल कंपोनेंट से बनता है। तो मोटुल की बेस्ट है, मोटुल के जो डिटर्जेंट है क्लीनिंग डिटर्जेंट है वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। अभी यामाहालूब तो बात हो गई, लाइक मोटुल से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको मोटुल क्यों बाय करना चाहिए और क्या फ़र्क है 7100 में और 300 स्क्वायर में। तो सो एक ये भी चीज़ है कि आपका परफॉर्मेंस क्या आपके एवरेज बढ़ती है। सो एवरेज बढ़ने का सब मैं एकदम सिंपल रीज़न दूँ तो यामाहालूब ज़्यादा हीट मतलब झेल नहीं सकता, जैसे कि आपका इन्हें ज़्यादा हीट हो रहा है सो उसका जो ऑयल होता है वो अच्छे से काम नहीं करता, और आपके जो इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा पावर लगती है, जिसकी वजह से एवरेज कम होता है, मो पावर और एवरेज कम। जबकि कंपेयर टू मोटुल उसका इंस्टर ऑयल बहुत ही बेस्ट है, आप वो बहुत हीट झेल सकता है। आप अगर उसको बहुत फास्ट चला रहे इंजन करें तो उसके बीच में फ्रिक्शन जो रहेगा बहुत कम होगा, मतलब वो इतना डेफिनेट है। तो अगर समझ लो आप गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हो यामाहालूब में, फ्रिक्शन ज़्यादा आपका एवरेज गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। जबकि 300 V की बात करूँ तो आप उसको कितना भी फास्ट बनाओ उसका जो स्मूथनेस है वो इतना अच्छा होएगा इंजन के बीच में कि आप अगर फास्ट चला रहे हो फिर भी मैं कह देता हूँ कि आपकी गाड़ी का एवरेज सेम ही होएगा अगर आप कितना ही फास्ट चला रहे हो। और गाड़ी सच में मैं बोलूँ आपसे एक बार मोटुल 300 V या 20 का सही स्मेल करके देखना, बहुत ही गॉर्जियस स्मेल करता है वो इंजन। आप उसकी स्मेल से समझ जाओ कि वो इंजन ऑयल कितना बेस्ट है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला सीन है। तो यस, और जो एवरेज की बात, ऑफकोर्स आपका एवरेज बढ़ेगा, इंजन ऑयल टाइम जो वो रहता है वो बढ़ जाएगा। लाइक आप 7000 आप चाहो 10000 किलोमीटर भी उसको कसी दे सकते हो बिना किसी रोक टोक के, वो बढ़ जाएगा। जबकि यामाहालूब में भी I don't know, 3000 को चेंज करना पड़ता है। आप परफॉर्मेंस में यस आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, अगर गियर शिफ्ट करते हो तो इतनी स्मूथनेस आप नहीं देख सकते, इतना स्मूथ है मोटुल इसलिए। तो अगर वो प्राइस इतना ज़्यादा लेगा तो इट्स वर्थ। सो ये कुछ चीज़ है कि मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगा कि आप मोटुल यूज़ करें कंपेयर टू यामाहालूब, इट्स वर्थ। आप एक बार यूज़ करके देखो, आप उसके फ़ैन हो जाओगे। हाँ, दोनों में 7100 की बात करें और 300 V और V2 की जो ऑलमोस्ट सेम है,
जिन्होंने भी अभी स्क्रैच तो फर्क इतना है कि 7100 स्ट्रीट के लगाना है, तो मैंने फाइनल 7100 ही डाला है क्योंकि मुझे वो दो ऑयल टेस्ट करने थे जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो 7100 स्ट्रीट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। 300 भी मतलब रेसिंग है जो कम समय मतलब कम टाइम के लिए काम करता है, बहुत ज़्यादा चला रहे हो लाइक आप हाईवे पर रेस कर रहे हो कुछ समय के लिए, पर हम स्ट्रीट में राइड करता हूँ मैं और मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में रुकना पड़ता है, ये वो समझ सकते हो। तो उसका डिजाइन थोड़ा स्लो काम करता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट ऐसा। अगर आप अगर स्पीड राइडर हो, आप अपने सिटी में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 7100 डालें। अगर यस आप बहुत अग्रेसिव चलाते हो, आप रेसिंग ज़्यादा करते हो, तो आप ऑफकोर्स 300 डालें और आपको फर्क कुछ ही किलोमीटर वाले कितना डिफरेंस है। यामाहलूब आपको कुछ एक दो दिन तक स्मूथ लगेगा, देन आपको मतलब फील होने लगेगा यामाहलूब छोड़ रहा था हमारा लाइक उसके बाद हार्ड शिफ्टिंग गियर शिफ्टिंग हार्ड क्लच हार्ड और 300 और 7100 मतलब कुछ नहीं है। यस 7100 पर ड्रॉबैक है, स्मूथनेस थोड़ी कम है, वो भी अगर आप अपनी गाड़ी को अच्छे से जानते हो तो ही आपको पता चलेगा वरना नहीं पता चलेगा। तो यस अगर आपके पास R15 है, 220 पल्सर है या फिर ऐसी कोई भी अच्छी बाइक है और अगर यस आप 400cc तक आप कोई भी बाइक ले लो, 400cc नहीं मैं तो आपको बोलता 500cc तक ले लो, तो आप यूज़ कर सकते हो 7100। बट ऑफकोर्स अगर आपके पास 600cc या 600cc की अपर वाली बाइक है तो आप 300B डाल सकते हो, वो बहुत पैसे सब यही डालते हैं। सो गाइस आज का वीडियो यही है, ऑफकोर्स आपको मतलब आई होप आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं शेयर करूँगा प्रोज और कॉन्स, मतलब नॉट श्योर, वो वीडियो थोड़ी लेट आएगी फिलहाल मेरा एक दूसरे वीडियो पर काम चल रहा है। सो होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।